प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रदेश सरकार के द्वारा अपात्र लोगों से नहीं की जाएगी राशन की वसूली, केवल अपात्र लोगों को ही करना होगा राशन कार्ड सरेंडर। राशन वसूली की भ्रामक अफवाह फैलने का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने किया खंडन। गोरखपुर में विदेशी निवेश की संभावनाओं को लगेंगे पंख, उद्योग व निवेश का माहौल जानने सोमवार को गोरखपुर आएंगे यूके के राजनयिक एवं ट्रेड कमिश्नर फॉर साउथ एशिया एलन जेमल। टेराकोटा क्लस्टर और उद्योगों का भ्रमण करने के बाद कीड़ा व उद्योग विभाग के अधिकारियों से करेंगे संवाद। यूके तक होगी टेराकोटा की धूम। सैयद सालार के पर्व एवं वाले मियां के मेले को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 23 मई को सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। नगर के समस्त थानों पर दुराचारी सभा के तहत थाने के सभी हिस्ट्री सीटरों की कॉमन सूची बनाकर 25% हिस्ट्री सीटर को प्रत्येक रविवार को थाने पर अपने आचरणों का करवाना होगा सत्यापन। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, न्यायालय में अपने मुकदमों की तारीख पर नहीं आने पर इनकी जमानत को निरस्त कराकर जमानतदारों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी के नेतृत्व में गठित टीम ने जनपद के विभिन्न थानों के माल खानों में रखे शराबों को थानों पर ही करवाया नष्ट। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। बाढ़ से पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। बाढ़ से निपटने के लिए पशुओं के लिए चारा, राहत किट, पानी की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विभाग को दिए निर्देश। स्वर्ण पदक विजेता ब्राजील ओलंपिक चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी मूक बधिर आदित्य यादव के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, पूरे जनपद को गर्व है आदित्य यादव के ऊपर। रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर लोगों को नशीला पदार्थ बेचने वाले दो अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 44 ग्राम नाजायज नशीला पदार्थ किया बरामद, भेजा जेल। रंगारंग कार्यक्रम के साथ जूनियर प्रीमियर फुटबॉल लीग का हुआ आगाज। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ला ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल लीग का किया विधिवत उद्घाटन। उमेश एकादश ने 1-0 से जीता उद्घाटन मैच। जनपद में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज हवाएं व ओले पड़ने की है संभावना। रविवार को तेज हवा के साथ हुई है बारिश, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। और कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 की आर्थिक सहायता लेने की जिला प्रशासन ने अंतिम तिथि 24 मई किया घोषित। एडीएम फाइनेंस ने कहा, 24 मई तक परिजन प्रपत्रों के साथ अपने तहसील पहुंचकर कर सकते हैं आवेदन, ले सकते हैं योजना का लाभ।